बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम और आरजेडी के बीच बढ़ी दूरी से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या झारखंड में भी महागठबंधन की सेहत पर इसका असर पड़ेगा। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन में शामिल है, लेकिन ये गठजोड़ बिहार में नहीं बन पाया है। जेएमएम आरजेडी के बीच बनी दूरी पर कांग्रेस ने कहा कि इसका असर झारखंड पर नहीं पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर झारखंड में महागठबंधन के झारखंड में जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन ये गठबंधन बिहार में बरकरार नहीं रह पाया। जेएमएम ने राजद के खिलाफ कड़े बयान दिए, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि राजद को थोड़ा इस ओर ध्यान देना चाहिए था। जेएमएम को भी कांग्रेस ने सलाह दी है। देखिए, अभी शुरुआती दौर की बातें हैं। हमें लगता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को सारी बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और हम समझते हैं कि महागठबंधन का कोई भी दल हो उसको सम्मान मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि आप कितनी सीटों पर उनको सम्मान दे सकते हैं, ये वहां के गठबंधन के लोगों को चर्चा करनी है। वहीं जेएमएम राजद के बीच बढ़ी खाई को कांग्रेस ने पाटने की कोशिश की है, साथ ही इस बात से भी इनकार किया है कि झारखंड की राजनीति पर इन फैसलों का कोई असर पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद में जो भी मामला आया है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आज भी गठबंधन बरकरार है, और गठबंधन का नतीजा है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो माननीय विधायक हैं वो मंत्री हैं। तो हमको लगता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो भी असर हो, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आज भी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन बरकरार है। बिहार चुनाव ने राजद जेएमएम के बीच दूरी बढ़ा दी है, लेकिन गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस का दावा है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि राजनीति में संभावना कभी खत्म नहीं होती। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।